आईआईटी ने जेई एडवांस स्टैटिस्टिक्स में एक टॉपिक इंक्लूड किया है जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन एंड डिफरेंट वेरिएंट्स। अब अगर ब्रॉड सेंस में देखें, मीन उसका सेंट्रल वैल्यू है और वेरिएंस उसका स्प्रेड है। तो बेसिकली इसमें हम एनालाइज करना चाहते हैं कि अगर आपका सेंट्रल वैल्यू मीन सेम है लेकिन डेटा का स्प्रेड चेंज होता है तो उससे आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ये तो हुआ इसका ब्रॉड ओवरव्यू, लेकिन अगर इसको डिटेल में एनालाइज करना है तो कुछ टर्म्स हैं जो हमको पता होना चाहिए, और इसमें से सबसे पहला टर्म है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिकल बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपके जो तीनों सेंट्रल मेजर्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये बराबर रहेंगे। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये जो पीक है, ये पीक डिटरमाइन होता है आपका मीन से या आपके सेंट्रल मेजर से, और इसका जो स्प्रेड है वो डिटरमाइन होता है आपके वेरिएंस से। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे कॉमन है। तो अगर रियल लाइफ में देखें तो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशंस आपको जो मिलेंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस ही होंगे, जैसे लोगों की हाइट का, उनके आईक्यूज का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। या फिर एक बड़ी पॉपुलेशन में से आप बहुत सारे सैंपल्स ड्रॉ करते हैं तो उन सारे सैंपल्स का अगर आप मीन देखेंगे तो वो मीन्स भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इवन आपके मेजरमेंट एरर्स जो है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स और इन्फरेंस के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हमने हमारा डिस्कशन शुरू किया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन बहुत सारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस को भी हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है तो ये एग्जांपल में हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट किया है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड है और सिमेट्रिक है। अब जो दूसरा चीज में हम पढ़ेंगे वो है स्क्यूनेस। सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार आपके डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक होते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूशन की एसिमेट्री को स्टडी करने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं वो है आपका स्क्यूनेस। तो कई बार डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है कि आपका डेटा या तो लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है या राइट की तरफ टिल्ट होता है, तो हम बोलेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें स्क्यूनेस है। तो अब जनरली देखें तो स्क्यूनेस दो तरह की होगी। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें आपका जो पीक है वो लेफ्ट की तरफ होगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन टेल करेगा राइट की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे यहां पर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरे केस में टेल आपका लेफ्ट की तरफ है और उसका जो पीक है वो राइट की तरफ आएगा, तो इसको हम बोलेंगे ये आपका नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चीज हमने पहले पढ़ लिया था कि पॉजिटिवली स्क्यूड में पहले मोड आएगा, फिर मीडियन आएगा और फिर मीन आएगा। तो इसमें मोड छोटा है मीडियन से और मीडियन छोटा है मीन से, जबकि नेगेटिवली स्क्यूड के केस में सबसे बड़ा मोड होगा, उससे पहले मीडियन आएगा और सबसे पहले आपका मीन आएगा। तो ये कैसे मीन छोटा है मीडियन से और मीडियन छोटा है मोड से। तो अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री डिविएट करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से तो या तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या फिर वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अब स्क्यूनेस को डिटरमाइन करने के लिए दो मेजर्स हैं हमारे पास। पहला जो मेजर है उसको हम बोलते हैं
फिशर पियर्सन कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस। अभी कॉफिशियंट को हम डिटरमाइन करते हैं इस फॉर्मूले से जो कि है 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू निकालेंगे 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन और उसको डिवाइड करेंगे उसके स्टैंडर्ड डिविएशन से। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, और ये वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। और अगर ये वैल्यू आपका जीरो आएगा तो क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिक है जिसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। और अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो जनरली हम ये मानते हैं कि अगर इसका कोएफिशिएंट -0.5 से +0.5 के रेंज में आता है तो आपका जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है। अगर ये वैल्यूज -1 से -0.5 के बीच में है तो ये निगेटिवली स्क्यूड है। और अगर 0.5 से 1 के बीच में है तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। लेकिन ये केस में हम बोलेंगे कि ये केस में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मॉडरेटली स्क्यूड है। अब मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक रिजल्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो केस में मीन मीडियन और मोड में एम्पिरिकल रिलेशनशिप होता है। और रिलेशनशिप ये है कि मीन और मोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन के डिस्टेंस से, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आपका जो मोड आएगा वो बराबर आएगा आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये फॉर्मूला था जिसको हमने स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी में पढ़ा था, और वहां पे हमने बोला था कि ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। और अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस -1 से छोटा है तो हम बोलेंगे ये हाईली नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर ये वैल्यू 1 से बड़ा है तो हम बोलेंगे ये हाईली पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपका सबसे सिंपल मेजर है स्क्यूनेस डिटरमाइन करने का। एक और मेजर है जो हम स्क्यूनेस डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं और जो कि ज्यादा मॉडर्न है, हम स्क्यूनेस कोएफिशिएंट डिटरमाइन कर सकते हैं मोमेंट से। तो स्क्यूनेस जो है वो होता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल क्यूब। तो बेसिकली ये आपका थर्ड मोमेंट है, तो यहां से हम स्क्यूनेस डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर इसको प्रोबेबिलिस्टिक टर्म में ना लिख के स्टैटिस्टिकल टर्म्स में लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं कि आपका जो स्क्यूनेस है वो बराबर है म्यू 3 अपॉन सिग्मा क्यूब के, और ये है आपका समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल क्यूब डिवाइड बाय एन ओवर ऑल आई अपॉन सिग्मा क्यूब। और इसमें भी स्क्यूनेस का मेजर वैसे ही करते हैं कि अगर आपका स्क्यूनेस जीरो आता है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता है तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। और यहां पे भी हम उसके मैग्नीट्यूड से स्क्यूनेस का डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। अगर हाई एब्सोल्यूट वैल्यूज है तो ज्यादा एसिमेट्रिक है, और अगर स्मॉल एब्सोल्यूट वैल्यूज है तो रिलेटिवली उसमें सिमेट्री होगा। तो ये तो हुआ आपका स्क्यूनेस। अब जो तीसरा टर्म हम इसमें पढ़ेंगे वो है आपका कुर्टोसिस। अब ये जो कुर्टोसिस मेजर है ये इंट्रोड्यूस किया था कार्ल पियर्सन ने, और उसने
यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ इट्स हम एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो या तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हम या उसका पीक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे हो सकता है। तो जैसे एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में बोलेंगे इट इज मेसोकोटिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पीक इज सेम एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन में पीक शार्प है और आपका जो हम्प है वो छोटा है। तो जैसे ये केस, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे ये है लेप्टोकर्टिक। तो ये जो वर्ड लेप्टो है ये ग्रीक वर्ड से आता है लेप्टोस, जिसका मीनिंग है स्मॉल या फिर थिन। और इसमें एक और केस पॉसिबल है जहां पे आपका जो पीक है वो ब्रॉड और फ्लैट होगा। तो ये केस में कर्व इज लेस पीक्ड अबाउट द मीन एंड हम्प इज फ्लैटर देन द नॉर्मल कर्व। तो इसको बोलते हैं प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पे भी जो वर्ड प्लेटी है ये ग्रीक वर्ड से आता है प्लेटस, जिसका मतलब होता है वाइड या फ्लैट। तो बेसिकली आप लेप्टोकोर्टिक को देखेंगे तो आपने मेसोकोर्टिक को ऊपर खींच लिया है। तो ऊपर खींचने से क्या हुआ, आपके टेल्स लाइट हो गए और आपका पीक नैरो हो गया। तो उसको हमने बोला ये आपका लेप्टोकोर्टिक। और अगर नॉर्मल को नीचे दबा देते हैं तो ज्यादा फ्लैटन आउट हो जाएगा, तो वो केस में आपके टेल्स हैवी हो गए और आपका पीक फ्लैट हो गया, छोटा बन गया, तब ये हो जाएगा आपका प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल या मेसोकोर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका कटोसिस है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आती है वो है 3 के बराबर। तो अगर कटोसिस का वैल्यू 3 से बड़ा है तो हम बोलेंगे उसमें पॉजिटिव कटोसिस है या फिर वो लेप्टोकर्टिक है। और अगर कटोसिस का वैल्यू 3 से छोटा आता है तब हम बोलेंगे उसमें नेगेटिव कटोसिस है या फिर वो प्लेटिकर्टिक है। तो बेसिकली हम कटोसिस डिफाइन करने के लिए निकालते हैं एक्सिस कटोसिस, और ये होता है आपका कटोसिस माइनस 3। तो उसमें से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो कि आपका मेसोकोर्टिक या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है। तो वहां से हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कटोसिस को हम मेजर करते हैं 4th मोमेंट से। तो कटोसिस कोएफिशिएंट निकालने का जो तरीका है वो है आपका म्यू 4 अपॉन सिग्मा टू द पावर 4, और ये है समेशन ओवर ऑल आई एक्स आई माइनस म्यू टू द पावर 4 अपॉन एन डिवाइड बाय सिग्मा टू द पावर 4। और इसको अगर आप प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा टू द पावर 4। और बेसिकली इसमें हम एक्सिस कटोसिस निकालेंगे जो कि हो जाएगा आपका के माइनस 3। तो अगर ये 0 से छोटा है तो ये प्लेटिकर्टिक होगा, अगर ये 0 है तो ये मेसोकोर्टिक होगा, और अगर ये 0 से बड़ा है तो ये आपका लेप्टोकोर्टिक होगा। और चौथा और आखिरी चीज जो हमको पढ़ना है वो है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे बेसिकली हम बात करेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस की बात करते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। तो यहां पे 3 सवालों के आंसर करेंगे। अगर हम फंडामेंटल क्वेश्चंस को देखें जिनको हमें आंसर करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के एनालिसिस से, तो वो है कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो वेरियस कैटेगरीज में और इंटरवल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्या उनमें कोई डोमिनेंट कैटेगरीज हैं,
क्या उसमें अनयूजुअल वैल्यूज हैं या आउटलायर्स हैं, उसके सेंट्रल टेंडेंसीज क्या हैं और उसका डिस्पर्शन हम कैसे मेजर कर रहे हैं। तो बेसिकली एनालिसिस कंडक्ट करने का गोल है कि हमको डेटा को समराइज करना है और उसको एक मीनिंगफुल वे में डिस्क्राइब करना है। अगर कोई हमको बोलेगा कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करो तो हमको करना क्या है, तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं। ये स्टैंडर्ड स्टेप्स डिफरेंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या आपके लेवल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो अगर आप एक एडवांस लेवल पे हैं तो आपके पास ज्यादा स्टैटिस्टिकल टूल होंगे चीजों को मेजर करने के लिए। लेकिन अगर एक बेसिक फॉर्म में देखें तो एनालिसिस में पहला स्टेप होता है आपका कि आप उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कीजिए। तो पहला स्टेप है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो किसी भी डेटा को अगर आपको एनालाइज करना है तो सबसे पहले आप उसका सेंट्रल वैल्यू निकालिए। अब हमने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में पढ़ा है कि किस सिचुएशन में हम मीन यूज करते हैं, कहां पे मीडियन यूज करते हैं और कहां पे मोड यूज करते हैं। तो आपको डेटा सेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आप कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी यूज करेंगे जो कि रिफ्लेक्टिव होगा उसकी की सेंट्रल वैल्यू के। एनालिसिस का जो दूसरा स्टेप है वो है आपका मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब जैसे हमने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा था कि सिर्फ सेंट्रल वैल्यू से आपको एक डेटा को कंप्लीटली स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो हमको डेटा का वेरिएबिलिटी या उसका डिस्पर्शन भी पढ़ना होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था वहां पे, जैसे दो स्टूडेंट्स हैं सपोज S1 और S2, जैसे S1 को एक सब्जेक्ट में 0 आया, दूसरे में 100 आया, और दूसरा स्टूडेंट S2 जिसको एक में 49 आया दूसरे में 51 आया, दोनों का मीन सेम है, दोनों का मीन 50 है, लेकिन यहां पे जो डेटा का स्प्रेड है मीन के अबाउट वो दोनों तरफ 50 है, और यहां पे ये डेटा का स्प्रेड सिर्फ 1 है। तो पहले केस में जो वैल्यूज है वो मीन से बहुत दूर है और दूसरे केस में जो वैल्यूज है वो मीन के एकदम पास में है। और हमको एक चीज ये भी पता है कि सबसे कॉमन सेंट्रल टेंडेंसी मीन है और सबसे कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्शन वेरिएंस है। तो जनरली हम मीन और वेरिएंस निकालते हैं। अब जो डिस्पर्शन का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो डिपेंड करता है कि हमारे रिक्वायरमेंट पे, बट जनरली अगर हम देखते हैं तो लोअर वेरियंस से हमारे एस्टिमेट्स और इन्फ्रेंसेस ज्यादा रिलायबल रहते हैं, उनमें ज्यादा प्रिसीजन आएगा, उनका कॉन्फिडेंस इंटरवल छोटा होगा उनके, जिससे हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का रिजल्ट बेटर आता है। और अगर किसी डेटा सेट में वेरियंस ज्यादा है तो उसमें ज्यादा अनसर्टेनिटी है जो उसकी रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट को इंपैक्ट कर सकती है। तीसरा चीज जो एनालिसिस में हम देखते हैं वो है शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करेंगे तो वहां से हम देख सकते हैं कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है या उससे कितना डिविएट होता है। वहां से हम उसका स्क्यूनेस देखेंगे, उसका कुटोसिस देखेंगे और हम उसके मोड्स भी देख सकते हैं कि जैसे यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है या बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है या मल्टीमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से भी हमको एनालिसिस कंडक्ट करने में हेल्प मिलता है। चौथा चीज जो इसमें हम देखते हैं वो है आउटलायर्स। जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा, आउटलायर्स वो वैल्यू है जो कि हाईली अनयूजुअल है, जैसे या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, जिनका डेविएशन आपके नॉर्मल डेटा सेट से बहुत ज्यादा होता है, तो उनको हम आउटलायर्स बोलते हैं। कि जैसे सपोज आप एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स के वेट का एक डेटा सेट बनाते हैं और उसमें एक डेटा सेट में वैल्यू आ जाता है 10 kgs। अब ये डेटा सेट में एडल्ट ह्यूमन बीइंग का वेट 10 kgs एक एनोमली है या एक आउटलायर है, या तो गलती से रिकॉर्ड हुआ या फिर कोई एक एक्सट्रीम केस है। तो डेटा में जितने ज्यादा आउटलायर्स होंगे डेटा उतना ही अनरिलायबल होगा, और जितने आउटलायर्स कम होंगे उतना ही वो रिलायबल होगा और उसके एस्टिमेट्स बेटर रहेंगे। फिर हम देख सकते हैं उनके फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अगर हम फ्रीक्वेंसीज को देखेंगे तो वहां से हम इंपॉर्टेंट क्लासेस डिटरमाइन कर सकते हैं कि जैसे किसी पर्टिकुलर क्लास में
क्या इंस्टेंसेज आ रहे हैं हमारे पास या फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या प्रोपोर्शन आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेटिस्टिकल मेजर्स हैं जिनको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन सारे मेजर्स की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम आते हैं एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन बट डिफरेंट वेरियंस। जैसे अगर हम पहले एग्जाम्पल की तरफ देखें तो यहाँ पे ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबका मीन सेम है लेकिन सबका वेरिएबिलिटी डिफरेंट है, सबका स्प्रेड डिफरेंट है, तो इसमें स्क्यूनेस नहीं है। लेकिन जैसे यहां पे भी देखें तो यहां पे भी हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डेटा है तीन सिचुएशंस में, और ये तीनों सिचुएशंस में डेटा आपका सिमेट्रिक है लेकिन स्प्रेड डिफरेंट है, तो यहां पे भी आपका कुटोसिस है। अब एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, यहां पे ये डेटा सेट में तीनों मीन सेम है, मीन सबका जीरो पे है लेकिन सबके वेरियंसेस डिफरेंट हैं और इनका स्क्यूनेस डिफरेंट है। डेटा सेट में मीन सेम रख के हम कुटोसिस वेरी कर सकते हैं, स्क्यूनेस वेरी कर सकते हैं और भी सारे पैरामीटर्स को वेरी कर सकते हैं। तो अगर हम एक डेटा सेट में मीन सेम रखें तो किसी डेटा सेट में अगर हम मीन सेम रखते हैं और उसके वेरियंस को वेरी कराते हैं तो इसका जो डेटा का स्प्रेड है वो स्प्रेड चेंज हो जाएगा, और जैसे जैसे स्प्रेड चेंज होगा वैसे वैसे उसके एस्टिमेट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो अगर डेटा सेट में मीन हमने सेम रखा है और वेरियंस को वेरी कराया है तो हमको एक चीज पता है कि आपका जो वेरियंस है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है। अगर आपका वेरियंस लो है तो मतलब आपके जो एस्टीमेट्स हैं वो ज्यादा रिलायबल होंगे और वो जो डेटा है वो स्टेटिस्टिकली ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, और इसके जो स्टेटिस्टिकल एस्टीमेट्स आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट आएंगे। लेकिन अगर आपका वेरियंस हाई है तो इसका मतलब कि डेटा में अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो एस्टीमेट्स थोड़े अनरिलायबल होंगे। दूसरी चीज में ये हो सकता है कि इस डेटा में आउटलायर्स ज्यादा रह सकते हैं। वेरियंस चेंज होने से आपकी रिलायबिलिटी चेंज होती है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस चेंज होता है और आपके डेटा में अनसर्टेनिटीज बढ़ जाते हैं। और जैसे हमने देखा कि सबसे कॉमन जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन आपका ये सेंट्रल वैल्यू या सिमेट्री को डिफाइन करता है, मीन से कितनी दूर डेटा स्प्रेड है ये डिटरमाइन होता है आपका वेरियंस से। और हमने ये थ्योरी में पढ़ा था कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर ये म्यू प्लस सिग्मा या म्यू माइनस सिग्मा है तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 68% डेटा कवर होता है। और अगर हम दो स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं तो जैसे अगर म्यू प्लस टू सिग्मा और म्यू माइनस टू सिग्मा ले लिया तो इस स्प्रेड के अंदर आपका अप्रोक्सीमेटली 95% डेटा कवर होगा। और अगर हम तीन स्टैंडर्ड डिविएशन कवर करते हैं तो जैसे ये म्यू प्लस थ्री सिग्मा और म्यू माइनस थ्री सिग्मा, तो ये रीजन में अराउंड 99% डेटा कवर होता है। तो ये जो वेरियंस है ये आपके डेटा पॉइंट से कवरेज को भी डिटरमाइन करता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या हम हमेशा एक छोटा वेरियंस डिजायर करते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है कि सपोज इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे अगर मीन के अबाउट स्टूडेंट्स के स्कोर सेम है तो मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स एक जैसे हैं। लेकिन अगर वेरिएबिलिटी ज्यादा है तो डेटा मीन से ज्यादा स्प्रेड आउट होगा, तो इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शनली जीनियस हैं। तो जब आप आउटलायर्स को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो केस में ज्यादा वेरिएबिलिटी डिजायरेबल है। तो अगर किसी डेटा सेट में हमको मीन सेम रखना है और उसका वेरियंस बदलना है तो वो डेटा सेट में हम देखेंगे कि वेरियंस या स्टैंडर्ड डिविएशन बदलने से वो डेटा सेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंज आता है, उसके शेप में क्या चेंज आएगा, उसके स्क्यूनेस में क्या चेंज आएगा, उसके कटोसिस में क्या चेंज आएगा, उसकी रिलायबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा, गिवन डेटा सेट के लिए हम क्या चाहते हैं, हम लो वेरियंस चाहते हैं या हाई वेरियंस चाहते हैं। फिर हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं विज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, कि आपका स्प्रेड कैसा है डेटा का, और ये सब का
प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या है। तो ये सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं जब हम एनालाइज करते हैं किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, इसका मीन सेम है और वेरियंस बदलता है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक जो कि आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक पे डिपेंड करेंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें, यहां पे आपको सपोज एक रेस है और वो रेस में आपके पास 5 रनर्स हैं और जो 5 रनर्स हैं उनका मीन सेम है लेकिन उनका वेरियंस डिफरेंट है। तो ये सपोज रनर 1, ये रनर 2, ये रनर 3, ये रनर 4 और ये रनर 5। तो आपके पास 5 रनर्स हैं जिनका एवरेज टाइम सेम है लेकिन इन सबका वेरियंस डिफरेंट है। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि हु इज द वन हु इज मोस्ट लाइकली टू विन। अब इसमें हम देखते हैं तो ये जो फिफ्थ रनर है इसका स्प्रेड सबसे ज्यादा है और ये जो फर्स्ट रनर है इसका स्प्रेड सबसे कम है। अब इसको थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मतलब ये जो रनर वन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम मीन के आसपास रहता है। जैसे सपोज ये रेस का मीन टाइम 10 सेकेंड्स है तो इसके ज्यादातर स्कोर्स 10 सेकेंड्स के पास रहेंगे, लेकिन जब हम इस आर पाई की बात करते हैं तो इसके स्कोर्स में बहुत वेरिएबिलिटी है। तो इसका मीन स्कोर तो 10 सेकेंड्स है लेकिन हो सकता है इसका सबसे कम स्कोर 8 सेकेंड्स हो और सबसे बड़ा स्कोर 12 सेकेंड्स हो। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये लेफ्ट साइड में आपका जो एरिया ये बहुत सिग्निफिकेंट एरिया है तो ये इसका एडवांटेज है बाकी दूसरे रनर्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये जो रनर 5 है ही हैज द ग्रेटेस्ट चांस ऑफ विनिंग द रेस एंड एट द सेम टाइम इसका राइट में भी अप्रिशिएबल एरिया है। इसका मतलब इसका ही सबसे ज्यादा चांस है रेस में लास्ट आने का। तो दोनों ही केस में ये आर 5 का चांस रेस जीतने का और रेस हारने का सबसे ज्यादा है। तो ये तो हुआ थियोरेटिकल क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन आपके सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं कि जहां पे आपको एक डेटा सेट दिया रहेगा और वो डेटा सेट के अकॉर्डिंग वो आपसे मीन और वेरियंस निकाल के कंपेयर करने बोलेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उसका कोई इनहेरेंट सिग्निफिकेंस नहीं है, मोस्टली इसमें थियोरिटिकल क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको सारे टर्म्स का और सारी थ्योरी का एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जहां से आप एक मीनिंगफुल रिजल्ट या मीनिंगफुल एनालिसिस कर सकते हैं। अब एंड में इसमें हम देखेंगे दो डेटा सेट को कंपेयर कैसे करते हैं। तो जैसे हमारे पास दो डेटा सेट है, पहले वाले का मीन म्यू 1 है, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 1 है, दूसरे वाले का मीन म्यू 2 है, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 2 है। तो दोनों के मीन्स भी अलग हैं और वेरियंस भी अलग हैं। तो इस केस में हम कंपेयर करते हैं उनके कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन और कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन होता है आपका सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100। तो ये आपका पहला कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन है और ये केस में ये है आपका सिग्मा 2 अपॉन म्यू 2 इंटू 100। तो जिसका कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन बड़ा है वो डेटा सेट में ज्यादा वेरिएबिलिटी है और अगर डेटा सेट में मीन सेम है तो हम सिर्फ वहां पे उनके स्टैंडर्ड डिविएशन से वेरिएंस को कंपेयर करते हैं। जिसका वेरिएंस ज्यादा है उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है, जिसका कम है उसमें वेरिएबिलिटी कम है।